गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। जैसा कि आपको पता है कि वे वाक्य जिनकी सहायता से हम किसी विषय या घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिन्हें हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, और दूसरा WH टाइप क्वेश्चंस, जिन्हें हम सेकंड टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। आज हम लोग सेकंड टाइप यानी WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हम चेंज लेंगे, हम बदलते क्या हैं। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी आप सॉल्व करने के लिए बैठें, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए आपको पता है? नहीं। सबसे पहले RS में लिखा गया स्टेटमेंट, जो सेंटेंस लिखा गया उसकी काइंड क्या है, समझ रहे हैं ना? अगर असर्टिव होगा तो आप सेट को टोल्ड कर दें, कंजक्शन दैट लगा दें। इंट्रोगेटिव होगा तो आप सेट को आस्क्ड में बदल देंगे और कंजक्शन इफ या वेदर लगा देंगे। या WH टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं, जो जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु आदि से जो प्रारंभ होते हैं, तो इन्हीं को आप कनेक्टिव के रूप में यूज कर देते हैं। उसमें दूसरा कंजक्शन ना तो दैट, ना इफ, ना वेदर का प्रयोग नहीं करते। तो सबसे पहले काइंड पहचानना जानिए, क्योंकि अगर RS के सेंटेंस की आपने काइंड पहचान ली तो सेड को किस में बदलेंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक सेड को किस में बदलना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। आप कंजक्शन कौन सा लगाएंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट यानी WH टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु आदि से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सेड, सेड हो या सेड टू हो, उसको हम किस में बदलते हैं बेटा, आस्क्ड में बदलते हैं। ओके, पहला काम ये किया। दूसरा सेकंड कार्य क्या करेंगे, कनेक्टिव आप देखें, तो कनेक्टिव इसमें WH ही होगा। WH का मतलब समझते हैं ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो क्वेश्चन वर्ड आपको मिला उसमें, उसी को आप कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब तीसरा कार्य आप क्या करेंगे, RS को सबसे पहले आप किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप प्लस, इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। और जब आपने असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया तो सारे रूल वही असर्टिव के जो आपने सीखे, क्या, टू चेंज टेंस एंड प्रोनाउंस ETC। ओके, ये कार्य करेंगे, समझ में आ रही बात? अब ये आप नोट कर लीजिए। ओके, और आपने देखा क्या कि सारा जो फर्स्ट टाइप में यानी यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन में किया, जो भी किया आपने, सब कुछ वही यहां भी करना है, बस अंतर किसका है, कंजक्शन या कनेक्टिव का। यहां पर इफ वेदर का प्रयोग नहीं होता, यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अर्थात जो RS में
सेंटेंस दिया हुआ है, वो जिस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसे ही हम क्या बना लेते हैं, कंजक्शन, कनेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बहुत छोटा सा सेंटेंस लेंगे हम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको बच्चों चेंज करना है आपको, तो क्या करेंगे, द टीचर सेट टू, इंट्रोगेटिव है देखिए अंदर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आज मी, अब बेटा यहाँ दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इसी व्हाट को हम कनेक्टिव बना लेंगे, व्हाट। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और उसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं जो दूसरे को जोड़ता है, कंजक्शन का, कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं और फिर वही चालू हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ये होता है। अब पहले आपने सोचा था कि जो सोचा था वो सही था, पहले आप दैट का प्रयोग करते थे, फिर इफ या वेदर का प्रयोग किया और आज हमें किसी दूसरे कंजक्शन की जरूरत नहीं है, हम व्हाट को ही कंजक्शन बनाएंगे, कनेक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे मेन मिस्टेक आप करते हैं, आप कंजक्शन के बाद तुरंत वर्ब ले आते हैं और वर्ब आपको नहीं लाना है, आपको पहले सब्जेक्ट लाना है, ये लाना है, तब तो वर्ब लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, अगर है तब वो ऑब्जेक्ट लाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर से भी हट सकता है, इधर से भी, आवश्यकता पड़ने पर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट आपने लिख लिया, अब योर, योर को चेंज करेंगे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, आर्मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाए, तो योर पजेसिव केस है तो पजेसिव केस ही यूज करेंगे, व्हाट माई नेम, इसका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, व्हाट माई नेम वन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा प्रोनाउन यू को कैसे चेंज करते हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी में होती है, तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, सी आस्क्ड मी, कनेक्टिव क्या लगाएंगे बेटा, ये वेयर आया है तो वेयर ही लगाएंगे। ठीक है ना, अब सब्जेक्ट आना चाहिए, हैं तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी तो क्या हो जाए, आई। ठीक है ना, डू और डज अगर सिंगल आते तो हट जाते हैं, अभी पीछे बता चुके हैं, और अगर डज नॉट आता या डू नॉट आता है तो डिड नॉट हो जाता। अब यहाँ पर मैंने पिछला आपको बताया था, याद करिए कि मैंने कहा था डू आए या डज आए, डू या डज का अगर प्रयोग है तो क्या कर देते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर डू नॉट आ जाए, डोंट आ जाए, डज नॉट या डजंट आ जाए तो इसको आप किसमें बदल देते हैं, डिड नॉट में या डिड नॉट में, डिडंट में बदल देते हैं और इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये मैं लास्ट डे आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए डू आया है, नॉट का प्रयोग नहीं है, बच्चों
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डू तो हट जाएगा और लिव क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म करेंगे तो लिव्ड हो जाएगा और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला देखिए सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय, ओके इन्वर्टेड, वाई हैज यू है जाएगा, हाँ नहीं, यू के साथ क्या आएगा, वाई हैव यू नॉट लर्नड लर्नड योर लेसन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके इसको चेंज करिए, द टीचर आस्क्ड द बॉय, कनेक्टिव वाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे वाई, यू चेंज होगा बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा ही, हैज क्या हो जाएगा हैड, वाई हैड वाई ही हैड, अब आप क्या लिख देते हैं वाई हैड, वो गलत हो जाता, कंजक्शन के बाद आप क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वाई ही हैड नॉट लर्नड, अब योर भी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हेज लेसन, ओके इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल ये आपने कर लिया होगा, ओके तो आप उधर नोट करते रहिए और इधर हम नए एग्जाम्पल आपको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमे, हाउ मैनी मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश, डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश, ओके ये इसको चेंज करना है बेटा, तो फादर आस्क्ड मी, कंजक्शन ये पूरा कंपाउंड वर्ड है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी मार्क्स। देखिए कुछ नाउंस ऐसे हैं जो प्लूरल में अर्थ बदल देते हैं, मार्क चिन्ह, मार्क्स अंग, अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना, तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, डिड थर्ड फॉर्म जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आई हैड, अब सिक्योर्ड इन इंग्लिश, ओके फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा मुझे। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू, सी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा में,
हैज ब्रोकन दिस ग्लास. ओके क्वेश्चन. तो सी आस्क्ड हिम, ये क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव का काम करेगा, सब्जेक्ट का भी. हैज का हैड ब्रोकन दैट, दिस का दैट ग्लास. ओके इसको नोट करिए, हाँ इसको अच्छी तरह से है नोट कर लीजिए. अब अगला सेंटेंस नोट हो गया बेटा? ओके. द बॉयज सेड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होगा क्या? वाई विल यू नॉट प्ले विद अस, वाई विल यू नॉट प्ले विद अस, वाई विल यू नॉट प्ले विद अस. क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा. लो बच्चो इसको चेंज करिए. द बॉयज आस्क्ड मोहन. ओके द बॉयज आस्क्ड मोहन. अब वाई ही कनेक्टिव बनेगा. वाई सब्जेक्ट लाइए. यू अकॉर्डिंग टू मोहन क्या बनेगा? वाई ही. विल का बच्चों क्या हो जाएगा? वुड. नॉट प्ले विद अस, वी का अस ऑब्जेक्ट होता है. तो ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार. आर वी का सब्जेक्ट बच्चों क्या है? द बॉय. तो आप प्रोनाउन क्या लिखेंगे? देम लिखेंगे और फुल स्टॉप. ओके आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं अच्छी तरह से समझ में आया. इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क. एंड आई विल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड. ओके बाय बाय, टेक केयर.